उत्पत्ति अध्याय 16, हाजिरा और उसका पुत्र इश्माएल। वचन एक। अब्राम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। वचन दो। सारे ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। वचन तीन। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। वचन चार। वहां हाजिरा के पास गया और वहां गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। वचन पांच। तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। वचन छे। अब्राम ने सारे से कहा, देख, तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारे उसको दुख देने लगी और वहां उसके सामने से भाग गई। वचन सात। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। वचन आठ। हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। वचन नौ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। वचन 10। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। वचन 11। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है और वह मनुष्य बनेरे गधे के समान होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। वचन 13। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, अत्ता एलो रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई? और देखने के बाद भी जीवित रही। वचन 14। इस कारण उस कुएं का नाम लहेरोई कुआ पड़ा। वहां तो कादेश और बेरेद के बीच में है। वचन 15। हाजिरा को
अब्राम के द्वारा एक पुत्र हुआ, और अब्राम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इश्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। आमीन।